बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज आप बात करेंगे हम पूरी तरह से सियासत में डूबे ओबीसी आरक्षण की। जी हां, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फिलहाल रोक लगाई थी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस अपने स्तर पर आरक्षण देकर खुद को उनका हितैषी बताने में जुट गए हैं। निकाय चुनाव में जहां कांग्रेस ने 27% ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देने का ऐलान कर दिया, तो बीजेपी ने कहा कि हम तो उससे भी ज्यादा दे देंगे, यानी कि 27% से ज्यादा उम्मीदवारों को, ओबीसी उम्मीदवारों को हम टिकट देंगे। इस बीच सीएम शिवराज ने अपनी विदेश यात्रा को रद्द कर दिया है और दिल्ली में इस मसले पर आला नेताओं और एक्सपर्ट्स के साथ मंथन करने की उनकी योजना है। सवाल यह है कि सुप्रीम आदेश के सियासी तोड़ के क्या मायने निकाले जाएं और निकाय चुनाव में यह आरक्षण दिया जाएगा, पंचायत चुनाव में इसका कितना असर होगा, कितना फायदा कितना नुकसान, दोनों ही पार्टियों के साथ साथ वोटर्स को और ओबीसी वर्ग को, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम 27% ओबीसी लोगों की टिकटों को पक्का करेंगे निकाय चुनाव में, और बीजेपी ने कहा कि हम 27% से ज्यादा करेंगे। यह मामला अब कुल मिलाकर के श्रेय लेने का लग रहा है। क्या कह रहे हैं कमलनाथ और वीडी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ कहे 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनावों में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। के आदेश की मंशा के अनुसार किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, यह खुद आज चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि हम जून में हर हाल में दोनों तरह के चुनाव निपटा लेंगे। क्या कहा है राज्य चुनाव आयुक्त ने, जरा यह भी सुनिए। आज हमने अपनी इंटरनल बैठक की यह देखने के लिए कि अगर हमें आज चुनाव डिक्लेयर करना हो तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं, तो हमारी तैयारी उसके लिए भी पूरी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें 2 हफ्ते का समय दिया है, उस 2 हफ्ते के समय में हम चुनाव की घोषणा कर देंगे। और आइए अब जरा सुन लेते हैं उन लोगों के दिल का हाल भी जो पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव होने की आस लगाए बैठे हैं। ये वो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं जो या तो पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते थे या नगरीय निकायों का, लेकिन किन्हीं किन्हीं वजह से चुनाव टलते गए और इनके हाथ से मौके निकलते गए। क्या कह रहे हैं ये लोग, जरा सुनिए। लोगों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बहुत आशा जागी है। कांग्रेस पार्टी 3 साल से इस चुनाव का इंतजार कर रही है। ये चीजें पहले कर देना था ना, निर्णय जो चुनाव था वह चुनाव हो जाता, ये दोबारा परेशानी तो न जाती जनप्रतिनिधि, हम लोगों का विश्वास उठने लगा जनप्रतिनिधियों का। जो भी जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, प्रत्याशी है, उसके मन में एक शंका तो बनी रहेगी पूर्व की तरह कि, और फिर वो पूरे मन से चुनाव में उतर नहीं पाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये तमाम बातें निकलने के बाद अब बहुत सारे सवाल मन में हैं। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल भी आपको दिखाते हैं, हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम रोक, बीजेपी कांग्रेस ने निकाला सियासी तोड़, ओबीसी पर हर पार्टी हुई निसार, कोई 27% तो कोई उससे ज्यादा देने को तैयार। विदेश यात्रा छोड़ सीएम दिल्ली रवाना, आसान होगा क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मॉडिफाई कराना। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सियासी कंपटीशन,
क्या पूरे देश में मिलेगा जातिगत आरक्षण? सबसे बड़ा सवाल तो हम यही पूछ रहे हैं कि क्या ये मध्य प्रदेश के पंचायत और नगरीय निकाय तक सीमित रहने जा रहा है या इसे पूरे देश में लागू करने का मन पार्टियों का है, क्योंकि यहां से राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता योगेश यादव जी, कांग्रेस से योगेश जी को जोड़ने के लिए जी हाँ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। और साथ ही साथ दिल्ली से आज हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है सीनियर एडवोकेट और कानूनविद जो है संजय चड्ढा जी। संजय जी बहुत स्वागत करता हूँ आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहला सवाल मेरा संजय जी आपके पास ही आता हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद पार्टियों ने एक कहते हैं ना कि उसका सियासी तोड़ ढूंढ लिया है, तो क्या कहीं इससे सुप्रीम कोर्ट की मंशा उसकी भावना का तो कहीं कोई अहित नहीं होता, क्योंकि पार्टी विद इन दी तो रिजर्वेशन दे ही सकती है, तय कर ही सकती है कि कितने लोगों को कितने फीसदी टिकट देने हैं। ठीक आपने कहा कि अगर कोई पार्टी चाहे तो वो 100% सीटें दे सकती है ओबीसी को, या जितना भी उनका मन करता है उतनी सीटें दे सकते हैं। ये किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपने जो क्वांटिटेटिव टेबल जो हमें प्रोवाइड करनी थी, कितने प्रतिशत आपके यहाँ पे ओबीसी रहते हैं, किस आधार पे, क्या भाव है उसके प्रति, और इसके अलावा जो मूट क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इसकी परमिशन देता है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो अपने पुराने जजमेंट्स हैं इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के प्रति जो जजमेंट आया उसकी पुनरावृत्ति करते हुए उसी को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये अलाउड नहीं है। और अभी क्योंकि समय निकल रहा है और यू नो ये चीज बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट्स में भी हमने देखा है कि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो इंस्टीट्यूशन पे खतरा आ गया, तो वो इंस्टीट्यूशन रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए परिपक्वता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव करवाइए और ओबीसी के रिजर्वेशन की जहां तक बात है उसमें जब आप कानून लाएंगे तब उसका देखा जाएगा और उसके आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं दीपक जी आपके पास। बड़ा ऐलान आज कर दिया दीपक जी कि हम 27% से ज्यादा आरक्षण या टिकट दे देंगे, लेकिन दीपक जी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये काफी है या जो कानूनी लड़ाई है वो भी जारी रहेगी, क्योंकि सीएम शिवराज दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और विदेश यात्रा आज सुबह उन्होंने अपनी कैंसिल कर दी और उन्होंने जानकारी दी कि इस महत्वपूर्ण विषय के कारण मैं अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर रहा हूं ताकि हम इस पूरे मामले को कोर्ट में अच्छे ढंग से फाइट कर पाएं। और सुना है कि दिल्ली में पहुंचकर वो तमाम वरिष्ठ लीगल एक्सपर्ट से भी बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, तो ये माने कि कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी वहां पर मध्य प्रदेश में हर तरफ से ये जंग जारी रहेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को या पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए या उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये हमने जमीन पर भी बार बार दिखाया है और ये आज की बात नहीं है। कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती है कि जहां पिछले वर्ग का कोई उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है तो वहां वरीयता दी जाए। आप देखेंगे कि पिछले 20-30 सालों में भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों की, चाहे विधायक हों या सांसद हों, संख्या लगातार बढ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर रिजर्वेशन की बात अभी क्लियर नहीं हो पाती है तो जो हम अपेक्षा करते हैं उस प्रतिशत से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए अपने उम्मीदवार उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों को सम्मानजनक स्थिति लाने के लिए लगातार कोशिशें की हैं और आप देखेंगे जैसे 2003 में हमारी सरकार बनी, पिछले 17 वर्षों में हमने जो मुख्यमंत्री दिया तो 3 मुख्यमंत्री दिए पिछड़े वर्गों के दिए। जाहिर तौर पर हमारी प्रतिबद्धता पिछड़े वर्गों के विकास के लिए है, पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए है और ये हमारा एक उदाहरण है कि हम पूरी निष्ठा के साथ इस बात को मानते हैं। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। 27% ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों को हम टिकट देंगे, आपका ऐलान होता है और उसके बाद बीजेपी कहती है हम 27% से ज्यादा भी देंगे, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से काम करेंगे, और 27 ही क्यों, लिमिटेशन ही क्यों रखना, क्या कहेंगे इस उसके जवाब में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो हमें भारतीय जनता पार्टी के शासन की मंशा
जो ओबीसी के खिलाफ है, इसके लिए हमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। 2003 में कांग्रेस की गवर्नमेंट 2003 तक रही, उससे पहले के पंचायत चुनाव 27% के आरक्षण के अधीन हुए। बाद में कोर्ट में 2003 के पहले इस संदर्भ में एक स्टे आया, 2003 में हमारी सरकार चली गई। 2003 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के पक्ष में कोई प्रयास नहीं किया कि 14% से लेकर आरक्षण को 27% किया जाए। ये ओबीसी के महान मुख्यमंत्रियों के बारे में मैं बता रहा हूं जो हमारे दीपक भाई कह रहे थे, चाहे वो उमा भारती जी हो, चाहे बाबूलाल जी गौर हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, उन्होंने ओबीसी के फाइल को बंद करके रख दिया और आंख मूंद कर बैठ गए, वो सत्ता पर काबिज हो गए। बाकी का उनका ओबीसी के प्रति कोई लेना देना नहीं रहा। 2018 आ गया साहब, कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई, निर्वाचित हुई, पवित्र भाव से प्रजातंत्र में उसको बहुमत प्राप्त हुआ, जिसको बाद में खरीद फरोख में बीजेपी ने गिरा दिया। मात्र 15 महीने की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में, हमने 14% से आरक्षण तत्काल 27% कर दिया। 27% में हमारा विधेयक पारित हो गया, सब कुछ पारित हुआ। उसके बाद कोर्ट में फिर स्टे आया, इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की खरीद फरोख कर दी, हमारी सरकार गिर गई। 2 साल की अवधि में शिवराज सिंह जी की सरकार में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जी, मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को कि कोर्ट में हम बयानबाजी जरूर करते रहे कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन आपने तकनीकी आधार पर, संजय जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि तकनीकी खामियां किस तरीके से की भारतीय जनता पार्टी ने और जानबूझकर 27% लागू ना हो उसके अधीन इस तरीके की याचिका दायर की कि याचिका पर या तो स्टे आता रहा या अंततः खारिज हो गई। अब प्रश्न उठता है कि अंततः जब अभी रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं शिवराज जी, उस मैटर पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार की मंशा अभी भी नहीं थी। आपने एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, कल्याण आयोग बना दिया, वो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो कांग्रेस के राज में गठित था उसको मान्यता आपने इसलिए समाप्त की कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो जेपी धनोतिया के नेतृत्व में काम कर रहा था तो वो आपके आरक्षण के मामले में सही आकलन देता। आपने वहां पर कोर्ट में प्रस्तुत किया कि 48% का मतलब ये होता है कि आपने कहा 48% मध्य प्रदेश की जनसंख्या है पिछड़े वर्ग की और आरक्षण मांगने लग गए आप 35%, तो सुप्रीम कोर्ट में यथा स्वाभाविक रूप से ये स्थिति निर्मित होगी कि आपने उस स्थिति को बिल्कुल बेडोल कर दिया, असमंजस में कर दिया और जान करके ये पूर्वाग्रह था भारतीय जनता पार्टी का कि ये याचिका खारिज हो। आज प्रीव्यू के मामले में कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हमें प्रीव्यू पिटीशन लगाएंगे, तो अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या धरा है। ठीक है, इससे भारतीय जनता पार्टी की नीयत सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मामले में किसी भी हालत में आरक्षण नहीं चाहती है और कांग्रेस, मैं उस प्रश्न का भी आपको उत्तर दे रहा हूं कि 27% हमारा मिनिमम आरक्षण है, हम 40% पे भी जा सकते हैं, 50% पे भी जा सकते हैं, मिनिमम हमारी सीमा है। आप साफ बयान देने लग गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कि हम 27 से आगे जाएंगे, क्यों नहीं जाना चाहिए आगे। आज पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 56% अब भी आगे जाएंगे। ठीक है योगेश जी, ठीक है। संजय जी मुझे ये बताइए कि जिसे रिव्यू पिटीशन कह रहे हैं, दरअसल उसके बारे में कहा गया कि वो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में, उससे लेकर के सरकार जा रही है और सरकार चाहती है कि इस आदेश में कुछ संशोधन हो जाए ताकि कुछ राहत मिल जाए, ऐसी कोई संभावना फिलहाल बनती दिख रही है क्या? क्योंकि ये कई राज्यों का मैटर है और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा, एमपी गवर्नमेंट के लिए भी एक तरह से बड़ा झटका ये पूरा ऑर्डर था, तो क्या ये मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर से हम उम्मीदें रख सकते हैं कुछ? अविनाश भाई, स्पष्ट शब्दों में बात करूंगा जी। देखिए, दो ग्राउंड होते हैं किसी भी प्रकार से रिविजन में जाने के, या तो कोई अपेरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड हो जो कि फैक्चुअल हो, कि फैक्ट है कि ये चीज है और ये फैक्ट कोट हो गया है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अपेरेंट एरर ऑफ लॉ, कहीं कानून का सही उपयोग नहीं किया गया, वो दर्शाते हैं, तब जाके उसको कोर्ट जो है वो उसको पिटीशन में अंकित करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि ये है कारण हमारे रिव्यू में आने के लिए। ओके, मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा परिपक्व निर्णय है। कुछ अन्य स्टेट, जैसा अभी आप मेंशन कर रहे थे अभिलाष जी, तो महाराष्ट्र है, अन्य स्टेट्स है, उनमें भी यही निर्णय लिया गया है। तो ये एक्सरसाइज, मेरे को ऐसा लगता है, और संभवतः वो बिल्कुल सही भी मैं कह रहा हूं, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं मिलेगा यहां पे, बल्कि
मैं एक कदम आगे बढ़ के कहना चाह रहा हूं कि सुनवाई भी नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट। ओके ठीक है दीपक जी, देखिए कानूनी पेचीदगियां, कानूनी जो चीजें चलती हैं, ना तो वो भावनाओं से चलती हैं, ना ही वो वहाँ पर क्या पॉलिटिकल पार्टी सोचती है, अपोजिशन सोचता है, उससे चलती हैं। कानूनी लड़ाई अलग चीज़ है, लेकिन अब जो आप लोगों ने एक मध्य प्रदेश की सियासत ने पूरे देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की है कि रिजर्वेशन विद इन दी पार्टी ऑन द कास्ट बेसिस, ये बहुत बड़ा एक संदेश दे रहे हैं सर आप। और दीपक जी क्या मैं ये जान सकता हूँ, अगर आप मुझे बता पाएं, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में बीजेपी के अंदर जातिगत आरक्षण के आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा? ये क्या विधानसभा के लिए भी होगा या सिर्फ अभी ये निकाय चुनावों तक सीमित है? बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, ये सवाल मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, योगेश जी आपके पास भी सवाल लेकर आऊंगा, पहले दीपक जी के पास आ रहा हूं। देखिए मैं आपको बताऊं कि बात अभी की नहीं है, 1998 के विधानसभा चुनाव मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं, और उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था रणनीतिक रूप से कि हर जिले में किसी महिला को भी टिकट दिया जाए, हर जिले में किसी न किसी पिछले वर्ग के प्रत्याशी को भी टिकट दिया जाए। तो मध्य प्रदेश में उस समय 48 जिले होते थे, सारे मध्य प्रदेश से टिकट मिला के सारे राज्यों में, राज्य भर के हर जिले में ऐसी कोशिश हुई। तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 25 वर्षों से कोशिश कर रही है कि जो पिछड़े वर्गों का समाज में जितना रिप्रेजेंट करते हैं उसी रेशियो में उनको सामाजिक न्याय मिले, ताकि जो भी सरकारें बने, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो, चाहे संसद की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, हर जगह पर जो रिप्रेजेंटेशन हो वो सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। तो उसमें जातिगत आधार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो 2000 से 3000 तक जातियां कही जाती हैं। हाँ। लेकिन हर वर्ग के, हर सामाजिक वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं या शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, उन सबका भी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी पिछली 25 सालों से कर रही है। और अब कोई भी आंदोलन जब किसी स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसकी गति और ज्यादा बढ़ जाती है, तो निश्चित तौर पर हम उस काम की गति को और ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। रही बात संजय चड्ढा जी की, उन्होंने कहा कि साहब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो सकता है या नहीं, तो मेरा इतना कहना है कि अगर हमारी पिटीशन के किसी पार्ट को, देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे मामलों में, हो सकता है कि इस तरह के मामलों में रिव्यू नहीं हो पाया हो किसी मामले में, लेकिन रिव्यू करने का या रिविजन करने की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो इसीलिए है कि कोई ऐसा पार्ट जो पिटीशन का हिस्सा है या तो उसकी अनदेखी कर दी हो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करते समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है कि 100% सही कर सकता है, कोई किसी पॉइंट की अनदेखी कर दी हो। अब वो मैंने पिटीशन तो देखी नहीं है, ना सरकार की जो लीगल टीम है उस पत्र को देखा है, लेकिन सरकार के पास निश्चित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य होंगे या कुछ ऐसा लीगल पॉइंट होगा जिसके जरिए वो रिव्यू के लिए जाना चाहती है और चाहती है कि उन बातों की भी को भी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ सके। ठीक है योगेश जी, आप मुझे बताइए, क्या आप, हम अब ये मान लें कि वक्त आ गया है कि जब पार्टियां ये तय कर देंगी कि हम भैया 27% ओबीसी को टिकट देंगे, एससी के लिए 10%, एसटी के लिए 12%, जनरल के लिए 10%, इस तरह से बिल्कुल जो एक कास्ट सिस्टम को लेकर के डिविजन ऑफ टिकट्स है ये करने जा रहे हैं, क्या अब ये वक्त दूर नहीं है? क्योंकि आरक्षण का अगर आप पुरजोर समर्थन करते हैं तो उसको पार्टी में भी लाना चाहिए अगर वो सही है तो, और पार्टी में आएगा तो क्या बिल्कुल हम इसे एक्सेप्ट कर लें, क्या मानसिकता बना लें इसकी, क्या यही होगा? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस ने किसी भी मंशा या पूर्वाग्रह को लेकर तुष्टिकरण की नीति के अंतर्गत कार्य नहीं किया, लेकिन यदि आप देखें, चाहे दीपक भाई कह रहे थे 1998 या 2003 का चुनाव, 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, 2018 का चुनाव, तो कांग्रेस ने बैकवर्ड को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। उसमें हमने इस बात की मंशा नहीं रखी कि 27% ही आना चाहिए, यदि ज्यादा, यदि बैकवर्ड की लीडरशिप कहीं अच्छी है या दलित की लीडरशिप अच्छी है तो हमने उनका स्वागत किया है, आदिवासियों को टिकट हमने दिया, अच्छी लीडरशिप पैदा की, और ये मध्य प्रदेश की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश एक पिछड़ा वर्ग राज्य है, मध्य प्रदेश अभी अग्रणी राज्यों में नहीं है देश के, तो यहाँ पर यदि दलित को, यदि आदिवासी को, यदि बैकवर्ड को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व तो मिलता है, तो हम तो यहाँ पर अभी एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे कि उसने बैकवर्ड, दलित और आदिवासियों को कितने टिकट दिए और कांग्रेस ने दलित, बैकवर्ड और आदिवासियों को कितने टिकट दिए, तो स्पष्ट हो जाएगा। ये तुष्टिकरण के अंतर्गत नहीं था, इसलिए कि हमारा बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र आदिवासी है, 56% आबादी बैकवर्ड की है, एक बहुत बड़ी दलित आबादी है, तो इन
सभी को लेकर हमने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया और मैं आदरणीय चड्डा जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अभी जो रिव्यू की संभावनाएं बनती है वो मेरे हिसाब से 0.01% है, लेकिन चूंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को भाषण देना है, चुनाव में सभा में जाएंगे, माफी तो वो मांगेंगे नहीं। हालांकि यदि राजनीतिक शुचिता कायम रखना हो तो सीधे माफी मांग लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम तथ्यात्मक अन्वेषण नहीं कर पाए, हमने जो पिछड़ा वर्ग का 48 का बताया वो संख्या भी गलत बताई सुप्रीम कोर्ट को, इस मामले में हमने गलती की, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप देखिए इसके पीछे आपको पूर्वाग्रह नजर नहीं आ रहा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग क्यों गठित किया गया जब पिछड़ा वर्ग आयोग जेपी धनोपिया। ठीक है, लगता है योगेश जी का संपर्क टूट गया। संजय जी मैं आपके पास आता हूं और अपने दर्शकों को बता दूं कि संजय जी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत ज़्यादा कानून की पेचीदगियों को समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं उन्हें एक समाजशास्त्री के तौर पर भी इसलिए देखता हूं क्योंकि देश विदेश में वो ज्वलंत मुद्दों को लेकर के कॉन्क्लेव में और इसमें जाते रहते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। संजय जी मुझे बताइए कि ये जो सिस्टम चल पड़ा है संजय जी, जिसमें ये जो रिजर्वेशन ऑन द कास्ट बेसिस है ये विद इन दी पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए एक होता है आपका अधिकार होना और एक होता है उसका प्रभाव होना, इस प्रभाव को आप कैसे देखते हैं कि ये अब वोटर के हिसाब से सेट होगा? जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदिवासी जिला होगा और वहां पर कभी पंचायत चुनाव होंगे तो कहेंगे कि नहीं 60% आदिवासियों के लिए फिक्स कर दीजिए आप यहाँ, तो अब ये नया चलन आ गया है देश की सियासत में, कैसे आप इसको इसका आकलन करेंगे? अभिलाष भाई ये सवाल जो आपने पूछा ये मेरे मन में आ रहा था कि मैं मुझसे आप ऐसा सवाल पूछें, और मैं कानून की जो व्यवस्था है वो बताना यहाँ पे समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। कानून की व्यवस्था 2019 में जब ये चुनाव चल रहे थे एक निर्णय आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं निर्णय का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे या किसी भी आधार पे अगर कोई डिविजन करने का प्रयास किया गया तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है हमारा 1956 का, उसके वायोलेशन तो है ही है, बल्कि ये एक आधारभूत जो हमारा ढांचा है डेमोक्रेसी का उसको हिलाने के लिए किया गया प्रबंध देखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, और अगर टू द एक्सटेंड यहां तक भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी वोटर को लुभाने के लिए इस तरीके का वादा करता है तो उसका इलेक्शन कैंसिल कर देना चाहिए। तो इतना सख्त कानून है हमारा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखिए आपके समक्ष आपने दिखाया दो दो जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों न्योता दे रही हैं और दोनों कह रही हैं कि हम जातिगत डिविजन करके वो करेंगे, कानून की क्या ज्ञान नहीं है या क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है संजय जी, लेकिन अब मुझे अब आपने चूंकि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक ऑर्डर का जिक्र कर दिया तो अब मेरे मन में फिर वो एक सवाल उठ गया, और वो सवाल सीधा सीधा ये है, देखिए ये फैसला विधायिका को करना है कि कितना परसेंट रिजर्वेशन उन्हें देना है और वो कर सकते हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार है, क्या इस फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? ये जो कांग्रेस और बीजेपी ने कहा है कि हम 27% ओबीसी आरक्षण या ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देंगे, कैंडिडेट्स को टिकट देंगे, क्या ये फैसला भी क्वेश्चनेबल है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? देखिए बिल्कुल क्वेश्चनेबल है अगर इसको इसकी ट्रू स्पिरिट में कहा जाए, वहां भी जब जवाब आएगा इन लोगों का तो ये कहेंगे ये हमने तो सिर्फ कोई इस तरीके का प्रोविजन नहीं है, तो सिर्फ हमने कह दिया। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कानूनी तौर पे जो वो निर्णय है वो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड वो है, 2019 का जजमेंट है जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जातिगत विभाजन या क्षेत्रगत विभाजन या रिलीजन के आधार पे विभाजन नहीं कर सकते, और बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में ऐसा इलेक्शन को इवन अगर वो वोटर को लुभाने के लिए भी है तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये तो बड़ा स्पष्ट कानून है, कोई अगर उस जजमेंट को, और मुझे समझ नहीं आता हम ये एक विडंबना मैं कहूंगा कि
लेकिन इसी विडंबना से एक विडंबना मैं संजय जी जोड़ दूं कि मुझे लगता नहीं कि इस फैसले को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कम से कम कोई सियासी दल, क्योंकि उसे उसे पता है कि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है जो दीपक जी और योगेश जी को खुश कर सकती है, वो ये है, क्योंकि देखिए यहां पर यह पहली दफे नहीं हो रहा है जब किसी एरिया या लिंक के आधार पर यह हो रहा है। नीतीश कुमार ने पंचायत इलेक्शन में 50% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया और उसके बाद पूरे देश में उसे कई पार्टियों ने माना। दीपक जी सही कह रहा हूं मैं? उसके अलावा हम देखते हैं कि यूपी में कांग्रेस ने चुनाव में कहा साफ तौर पर कि हम 40% युवाओं को वोट देंगे और उन्होंने दिए। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल यह है कि यूपी में जब चुनाव हुआ तो 40% युवाओं को टिकट दिए गए, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड में जब ये चीजें हुई तो वहां इस नियम को फॉलो नहीं किया गया। दीपक जी, यहीं से मेरा सवाल निकलता है, क्या यह निकाय चुनाव तक सीमित रह जाएगा? मध्य प्रदेश के या विधानसभा चुनाव में भी इसी फॉर्मूले पर पार्टी आगे बढ़ेगी? कुछ मंशा है क्या सर? नहीं, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि सामाजिक रूप से वो वर्ग जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ऐसी अकेली पार्टी है जिसने कई बार अनारक्षित सीटों पर भी, यहाँ तक कि अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को उतारा है और वो संसद में पहुंचे हैं। मेरी जानकारी में ऐसे दो मामले हैं, दूसरी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी तमाम पिछड़े वर्गों की बात करती रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस की बात झूठ और नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। जब भी कांग्रेस में लीडरशिप की बात आई, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मध्य प्रदेश में सुभाष यादव जी का जो फॉलोइंग थी वो दिग्विजय सिंह जी से बहुत ज्यादा थी, लेकिन नहीं बनने दिया। उत्तर प्रदेश में भी जब तक ये पावर में रहे 1990 तक, मैं समझता हूँ कोई ब्राह्मण या ठाकुर के अलावा इन्होंने कोई मुख्यमंत्री पिछले वर्ग का नहीं बनने दिया। तो जातिवत आग्रह जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्हें उसी कारण कांग्रेस का पतन हुआ है। समाज में जो सत्ता है या समाज के जो भी संसाधन है वो सभी वर्गों तक बराबरी से पहुंचे, जरूरी है सभी पार्टियों के लिए भी और सारी व्यवस्था को ऐसा बनाने के लिए भी। ठीक है दीपक जी, वक्त का मैं योगेश जी आपसे 20 सेकंड में आपका अंतिम रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। योगेश जी, क्या कांग्रेस इस फॉर्मूले को आगे भी लागू करेगी या केवल मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव तक सीमित है ये? योगेश जी आप सुन पा रहे हैं? मैं लगता है फोन कट गया, लेकिन यहां वक्त चूंकि खत्म हो गया है इसलिए मैं दीपक जी को, योगेश जी को, संजय जी आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में सियासत की जो नई बयार चल पड़ी है उसका असर धीरे धीरे ही सही पूरे देश की सियासी फिजाओं में नजर आएगा। पार्टी के अंदर क्या जातिगत आरक्षण का रास्ता आज मध्य प्रदेश ने खोल दिया है बीजेपी और कांग्रेस ने, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% टिकट देने का वादा कर लिया दोनों पार्टियों ने तो अब दूसरे राज्यों के ओबीसी का वर्ग पूछेगा कि भाई वहां दिया था, यहां हमसे क्या बुराई है। तो उसके बाद क्या ये कमिटमेंट अब इसे जरूरी होगा पूरा करना हर राज्य में, और क्या अब सरकारी सिस्टम की तरह पॉलिटिकल सिस्टम में भी कास्ट वाइज यानी जातिगत आरक्षण की शुरुआत हो गई है? बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। तमाम दर्शकों को नमस्कार।